मनिहारी में पिछले चार दिनों से हुई बारिश के बाद मनिहारी बाजार और वार्ड संख्या दो में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। बारिश ने कई दिनों से पूरा इलाका जलमग्न कर दिया है। कई घरों में पानी घुसने की वजह से इलाके का एक बार फिर निरीक्षण करने एसडीएम आशुतोष द्विवेदी पहुंचे। एसडीएम ने अधिकारियों के साथ मिलकर वार्ड नंबर दो का जायजा लिया और उनके साथ मौजूद अधिकारियों के साथ लोगों की समस्याएं सुनते हुए वार्ड नंबर दो से जल निकासी का रास्ता तैयार करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि अतिरिक्त टीमें लगाकर दो दिनों के अंदर नाले की सफाई की जाए और जल्द से जल्द कार्यों को पूर्ण किया जाए। नगर पंचायत में बाजार में कुछ पानी का जमाव हुआ है और पहले जो पानी निकलने के जैसा लोगों ने बताया कि पहले पानी निकलता था उसको निकलने में समस्या थी कि वो दो नंबर वार्ड में कुछ लोगों के घरों में निकलने में पानी भर जाता था। तो उसका ये अभी हम वहीं से होके आ रहे हैं, ये हल निकाला गया कि जो नाला बना हुआ है वो कुछ जगहों पर जाम है और अंत में जहाँ पे पानी की निकासी होनी है वो थोड़ी दूर के लिए नाला है भी नहीं। तो नगर पंचायत को निर्देश दिया गया, वो लोग नाले की सफाई शुरू कर दिए हैं और दो दिन के अंदर उस नाला जो गंदगी है उसको साफ करके और जो लास्ट कनेक्टिविटी नाले की है उसमें कच्चा नाला बना करके उस नाले से पानी निकलेगा तो जो बाजार है वहाँ भी पानी नहीं भरेगा और दो नंबर वार्ड में लोगों के घरों भी पानी नहीं जाएगा। गौरतलब है कि तीन दिनों पूर्व मनिहारी के कार्यपालक पदाधिकारी रंजीत कुमार ने भी वार्ड नंबर दो का दौरा किया था और दो दिनों में जल निकासी एवं नाला सफाई की बात भी कही थी, लेकिन ये संभव न हो सका और पानी की अवस्था जस की तस रह गई। वहीं स्थल का जायजा लेने एसडीएम आशुतोष द्विवेदी, मनिहारी सीओ राजेश रंजन और कार्यपालक पदाधिकारी रंजीत कुमार के साथ कई लोग मौजूद थे।